हेलो बच्चा पार्टी, आई होप कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एक सस्पेंस छोड़ा था, एक क्वेश्चन छोड़ा था। और क्वेश्चन था कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो दोस्तों, मींस चार्ज इज इनवेरिएंट, आपको याद आ रहा होगा, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट फैक्ट चार्ज के बारे में यही चल रहा था और हमने यहीं पर छोड़ दिया था कि चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो दोस्तों, बात ये आती है कि हम इस बात को किस तरह से जस्टिफाई करें कि चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो बहुत सिंपल तरीके से जस्टिफिकेशन होगा इस बात का। देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, और जब ये रेस्ट में होता है तो इस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। अब ये इलेक्ट्रॉन सपोज आपका वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और हमें ये पता करना है, हमें ये चीज समझनी है कि इस इलेक्ट्रॉन के मोशन में आ जाने पर इस वैल्यू पर कोई चेंज आएगा या नहीं। तो कैसे करें, देखिए अब बड़े सिंपल तरीके से, यूं चुटकियों में होगा ये जस्टिफिकेशन। एटम तो आप सब लोग जानते ही हैं, एटम सबसे छोटा, सबसे बच्चा एटम लेते हैं अपनी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का एटम है, और आप जानते हो हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और उसके अराउंड ये एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इसके अराउंड क्या कर रहा है, साहब, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब प्रोटॉन पर चार्ज होता है आपका +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। अब यहां ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, और रेस्ट में जो चार्ज की वैल्यू है वो है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, लेकिन एटम के अंदर अब वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें ये जस्टिफाई करना है कि यार चार्ज की वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है मोशन का। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर, मोशन में आने पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर कुछ इफेक्ट है, हम मान लेते हैं। मतलब ये है कि चेंज होने का मतलब है कि मोशन में आने पर जो चार्ज है वो चेंज होगा। तो चेंज होने का मतलब या तो इस वैल्यू से डिक्रीज होगी वैल्यू, या इस वैल्यू से इंक्रीज होगी वैल्यू, कुछ तो चेंज होगा, या तो घटेगी या बढ़ेगी। तो मैंने मान लिया कि साहब जो वैल्यू है वो कम हो रही, सपोज मैंने मान लिया कि जो वैल्यू है वो 1.6 से थोड़ी कम हुई। तो यहां पर 1.6 है, तो मैंने मान लिया कि 1.6 के बजाय यहां जो चार्ज है वो वेलोसिटी की वजह से −1.5 × 10⁻¹⁹ कूलॉम हो जाता है। अगर ऐसा होता कि मोशन में आने पर चार्ज की वैल्यू कम हो जाती, तो प्रोटॉन हमारा रेस्ट में है, न्यूक्लियस हमारा रेस्ट में है, ये तो ये प्लस और ये माइनस, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो +1.6 है और ये माइनस का 1.5 है, तो ये आपका आ जाएगा 0.1 किसका, प्लस का 0.1 प्लस, और इनटू में आपका ये है ही × 10⁻¹⁹ कूलॉम। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन के मोशन में आने पर, चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती, अगर ऐसा होता तो फिर एटम पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज होता, आप समझ रहे होंगे,
एटम पर कैसा चार्ज होता, एक नेट पॉजिटिव चार्ज। और हम आप सब जानते हैं कि एटम तो न्यूट्रल होता है भाई, एटम न्यूट्रल है, एटम से सारी चीजें बनी है, सारा मैटर, सारे जहां का मैटर एटम से बना है, तभी तो वो न्यूट्रल है। अगर एटम पर कोई चार्ज होता, सारे एटम चार्ज होते, तो फिर तो टेबल हो, चेयर हो, कुछ भी हो, सब पर चार्ज होता है ना। तो ये क्या है, अगर ऐसा होता कि चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती मोशन में आने पर, तो इस एटम पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज होता। अब दूसरा केस कि बजाय घटने के, चार्ज घटे नहीं मोशन में आने पर, सपोज करो बढ़ता, मतलब ये जहां पर 1.6 है, ये 1.6 है, ये 1.6 से सपोज 1.7 हो जाता, माइनस 1.7 इंटू 10^-19 कूलम, और तब उसके बाद हम इन दोनों का टोटल करते, तब फिर उतना ही भाई, माइनस का 1.7 है और प्लस का 1.6 है, दोनों को करेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.1 और इनटू में आपका 10^-19 कूलम है ये वाला। कहने का मतलब अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन का मोशन में आने पर, इलेक्ट्रॉन के मोशन में आने पर उसका चार्ज अगर इंक्रीज होता, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता, तो उस केस में हर एक एटम के पास एक नेगेटिव चार्ज होता। आर यू गेटिंग और नॉट, आई होप यू गॉट इट। तो दोस्तों यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल तभी हो सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तब इतना चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में आ जाए तब भी इसके चार्ज में की वैल्यू में, इसके चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज ना हो। बात समझ में आ रही है आपके, अगर इसके वैल्यू में कोई चेंज ना हो, ऐसा तभी हो सकता है कि ये एटम न्यूट्रल रहे, ऐसा तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू में मोशन में आने पर कोई चेंज ना हो। अगर चेंज होता तो एटम पर या तो एक नेट पॉजिटिव चार्ज होता या फिर एक नेट नेगेटिव चार्ज होता। तो चार्ज पर, चार्ज की वैल्यू पर, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उस पर जो चार्ज है वो ऑलवेज सेम रहेगा। नेक्स्ट आई थिंक ये 7 या 8 प्रॉपर्टी है। अब सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी 8, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है दोस्तों। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, जो मैं अभी तक ये करता आ रहा था ना कि दोनों को जोड़ दिया घटा दिया, ये यही प्रॉपर्टी से करता आ रहा था मैं। चार्ज इज एडिटिव, इसका मतलब है व्हेन वी, व्हेन वी सम अप चार्जेस, वी कंसीडर देयर साइंस। कहने का मतलब ये कह रहा है कि सपोज हमारे पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिन पर चार्ज है। सपोज ये वाला जो पार्टिकल है इस पर 5 कूलम चार्ज है, इस वाले पर -4 कूलम चार्ज है, इस वाले पर +2 कूलम चार्ज है, इस वाले पर +1 कूलम चार्ज है, इस पर -3 कूलम चार्ज है। एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, किसी पर 5 है, किसी पर -4 है, किसी पर +2 है, किसी पर -3 है, किसी पर +1 कूलम है। हमसे पूछा भाई कि बताओ इस बॉक्स में टोटल, टोटल और नेट चार्ज कितना है, इस बॉक्स के अंदर टोटल या नेट चार्ज कितना है। तो जब कभी भी व्हेन वी सम अप ऑफ सम अप चार्जेस वी कंसीडर देयर साइन, मतलब जब भी हमको टोटल पता करना है तो विद साइन पता करेंगे। तो सिंपल, जैसे हम ऐड करते हैं तो ये +5 है, +5, ये आपका +2 है, +2, ये आपका +1 है, +1, ये आपका -4 है, -4, ये आपका -3 है, -3। सिंपल, आप जो आप जानते हो वो कर दो। तो 5 + 2 = 7, +1 = 8, 8 में से 7 जाएंगे तो 8 में से 7 सबट्रैक्ट होगा, तो आपका बचा कितना 1 कूलम।
तो साहब इस बॉक्स के अंदर जो नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है, वो ओनली वन कूलम है, और कैसा, प्लस वन कूलम। सो दिस प्रॉपर्टी, अब आगे फ्यूचर में जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी कि टोटल चार्ज कितना है, तो ये आप याद रखिएगा, जब भी चार्ज का आपको टोटल पता करना है तो विद साइन ऐड करेंगे हम चार्जेस को, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव को हम नेगेटिव ही लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, नाइन। दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यहां पर, एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का, चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और प्रोटॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो उस बच्चे ने मुझसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन पूछा कि सर, मेरे से बोला कि सर प्लस वन बड़ा होता है या माइनस वन। तो मैंने भी बिना सोचे समझे, मुझे नहीं पता था कि वो फिजिक्स के सेंस में बात कर रहा है, मैंने कहा सर मैथ्स की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा यार ऑब्वियस ही बात है प्लस वन बड़ा होता है। तो बोला सर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन में, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 और प्रोटोन पर होता है +1.6, तो इसका मतलब प्रोटोन पर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा चार्ज होता है। तो मैंने कहा ना बच्चे ना, ऐसा नहीं होता, इन दोनों पे बराबर चार्ज है, जितना चार्ज प्रोटॉन पर है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है। सर ऐसे कहते ये प्लस में है ये माइनस में है, अभी आप कह रहे थे कि प्लस वन बड़ा है, और अभी आप कह रहे हो माइनस वन छोटा है, और अभी आप कह रहे हो कि यहां प्लस माइनस दोनों बराबर है। मैंने कहा बच्चे समझने की कोशिश करो, पहला वीडियो देख के आओ आप, आपको समझ आ जाएगा कि चार्ज है क्या चीज, ये प्लस माइनस है क्या चीज, पहले दूसरे वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। ये प्लस माइनस ये नाम है इनके, कि ये प्लस है कितना है इतना, ये नेगेटिव है ये कितना है इतना। ऐसे दो जोड़ा भाई हैं, एक का नाम टिल्लू है एक का नाम बिल्लू है, कि टिल्लू कितना भाई के इतना, बिल्लू कितना है के इतना, कि दोनों बराबर है। आर यू गेटिंग ऑर नॉट। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन पर दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, दीज आर नेम्स, ये नाम है उनके। Are you getting or not? So, nine जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नाइन प्रॉपर्टी आपकी है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट ऑफ अपोजिट नेचर, इक्वल होते हैं लेकिन नेचर दोनों की क्या है, अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वल एंड अपोजिट, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर जस्ट इक्वल चार्ज होता है, एग्जैक्टली इक्वल चार्ज होता है। आप इसको लेके प्लस माइनस को लेके कभी भी कंफ्यूज ना हो, ये प्लस माइनस वो वाले प्लस माइनस नहीं है, ये प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव ये उनके नाम है, कि पॉजिटिव भी इतना है और नेगेटिव भी इतना है। क्लियर। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट 10, चार्ज के बारे में आपको इतने, मैं आप सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा चार्ज के बारे में इतना क्यों पढ़ा रहा है। मैं चार्ज के बारे में दोस्तों आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका जो पूरा 12th की जो फिजिक्स है, उस 12th की फिजिक्स का लीड कॉन्सेप्ट है चार्ज। मींस अगर आप चार्ज को अच्छी तरह से समझ गए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि 12th की फिजिक्स आपको कुछ भी नहीं लगेगी, आप लगेगी कि ये तो बड़ी आसान है। और जिस बच्चे की समझ में चार्ज की कॉन्सेप्ट नहीं बैठी, उसके माइंड में चार्ज नहीं बैठा, मैं जो कह रहा था ना आपसे कि जब तक उसकी पिक्चर नहीं बनेगी आपके मन में चार्ज ये है, तब तक मजा नहीं है। मुझे वो पिक्चर बनवानी है आपके दिमाग में, आपके माइंड में, कि चार्ज ये चीज है। और आप देखिए फिर उसके बाद 12th की फिजिक्स आपको ऐसे लगेगी जैसे करें यार क्या मजेदार फिजिक्स है ये, इतना ईजी।
तो 10 जो पॉइंट है वो है साहब हमारा द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आप इसको याद रखिएगा, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और पी फॉर प्रोटॉन। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इस यूनिवर्स में द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पर ये जो वैल्यूज हैं चार्ज की, ये चार्ज की मिनिमम वैल्यू है अभी तक। मतलब अभी तक किसी भी पार्टिकल पर इस वैल्यू से कम चार्ज नहीं पाया गया है। आप में से बहुत से बच्चे हो सकता है पता हो, सुन रहा हो, आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर क्वार्क एक पार्टिकल होता है और क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो इस वैल्यू का फ्रैक्शन होता है, 1/3, 2/3 इस तरह से 1/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो बोला सर ये तो फिर इस वैल्यू से कम हो जाएगा, भाई 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो बोले कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू से कम है और आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो सबसे कम। बिल्कुल, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये बात तब है जब क्वार्क एक्सपेरिमेंटली फ्री स्टेट में है, जिस दिन हमको मिल जाता है। क्वार्क अभी तक एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और उसका अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो तब तक, जब तक उसका कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, तब तक हमारे लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है वो हमारे लिए मिनिमम वैल्यू है यूनिवर्स की। अभी तक कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जिस पर इस वैल्यू से कम चार्ज पाया गया हो। सो नेक्स्ट, इसमें दिस वैल्यू इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज एंड इज डिनोटेड बाई सिंबल स्मॉल ई। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये या ये कोई भी, दोनों एक ही हैं। तो इस वैल्यू को हम किससे डिनोट करेंगे, अब ई से। और इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं। तो जैसे अब कभी भी मान लो फ्यूचर में आपके सामने ऐसे आ जाए 3e, तो इसका मतलब है E, ये वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये जो चार्ज है ये इस वैल्यू का 3 टाइम्स है। कहीं पर आ जाए 2e, इस वैल्यू का 2 टाइम्स है, आर गेटिंग नोट, एंड सो ऑन। क्लियर। अब साहब, तो चार्ज के बारे में इतना सब कुछ हो गया, अभी है बाकी, अभी और बाकी है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपका पॉइंट है चार्ज के बारे में, वो ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो 11 प्रॉपर्टी कहती है साहब, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। थोड़ा सा नया वर्ड आया है अभी तक आप लोगों के लिए कि ये क्या बला आ गई साहब, क्वांटाइज्ड ये क्या चीज होती है। घबराने की टेंशन नहीं है, ये हमारा काम है कि
इसको कैसे आपको समझा जाए, आपको इसको कुछ नहीं है, घबराओ मत। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दोस्तों ये जो क्वांटाइज्ड की जो कॉन्सेप्ट है अभी आपके सामने पहली बार आई होगी, और अब जो है आपके सामने ये दो बार और आएगी। एक बार जब हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, सेकंड वॉल्यूम है चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जब हम वहां जाएंगे वहां पर कॉन्सेप्ट आएगी एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे साहब एटम, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बाद एटम पढ़ेंगे। एटम में हम बोर थ्योरी पढ़ते हैं, वहां पर क्वांटाइजेशन फिर से लौट के आएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब यह है कि क्वांटाइजेशन हमारे सामने कई बार आएगा, क्वांटाइजेशन को एक बार जनरलाइज वे में, एक बार में ही ऐसा ना समझने के, फिजिक्स में कहीं भी कभी भी हमारे सामने क्वांटाइजेशन की कॉन्सेप्ट आती है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी की कॉन्सेप्ट आती है, तो उसको हम क्या समझें, मन में क्या पिक्चर बनाएं अपने कि अगर कहीं आ गया एनर्जी इज क्वांटाइज्ड तो हम क्या समझें, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज तो हम क्या समझें। तो मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं। देखो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी कोई भी क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है, चाहे वो चार्ज हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो, अगर कोई क्वांटिटी कंजर्व्ड सॉरी क्वांटाइज्ड है, तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि उस क्वांटिटी की इस यूनिवर्स में एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मींस उस वैल्यू से कम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आपके सामने है, एक बार जरा देखिए चार्ज, मैंने आपको अभी बताई है ये बात कि चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू है इस यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करती है, मतलब उस वैल्यू से कम चार्ज अभी तक किसी भी पार्टिकल पर नहीं पाया गया है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज एंड इज डिनोटेड बाय ई। तो अब जैसे मैंने कहा चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो आप समझ गए कि चार्ज अगर क्वांटाइज्ड है तो इसका मतलब चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। हाँ करती है भाई, हमें सर ने बताया था। दूसरा पॉइंट, अब ये तो हो गई मिनिमम वैल्यू, मींस मैं अगर इस मार्कर को, ये मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को एक चार्ज देना चाहता हूं तो कम से कम, लीस्ट टू लीस्ट, मैं इस मार्कर को इतना चार्ज दे सकता हूं, मिनिमम वैल्यू है ये, इससे कम नहीं दे सकता। मैंने दे दिया सपोज, अब मैं बोला मैं तो साहब ज्यादा देना चाहता हूं इस वैल्यू से। अब ज्यादा वैल्यूज के ऊपर, जो हायर वैल्यूज हैं, उन हायर वैल्यूज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगा, और रेस्ट्रिक्शन क्या होगा क्वांटाइजेशन के केस में, कि ये कोई बॉडी है, सपोज कोई भी बॉडी है और मैं इसको चार्ज दे रहा हूं, तो वो कहता है, क्वांटाइज का मतलब होता है कि या तो मैं इस बॉडी को ई चार्ज दे सकता हूं, कम से कम ई, उसके बाद या फिर मैं 2E दे सकता हूं, या फिर मैं इसको 3E चार्ज दे सकता हूं, या फिर मैं इसको 4E चार्ज दे सकता हूं, 5E दे सकता हूं, 6E दे सकता हूं, मतलब इंटीजर में ही चार्ज दे सकता हूं। मींस इस बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो इस मिनिमम वैल्यू का, इस मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल, मीन वेयर वेयर एन इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, मतलब मैं किसी भी बॉडी को ऐसे नहीं चार्ज दे सकता कि साहब मैं तो 1.5 टाइम्स देना चाहता हूं ई का, नहीं दे सकता, कि मैं तो साहब 1.6 टाइम दे सकता हूं, देना चाहता हूं, नहीं दे सकते। या तो आप इस बॉडी को ई दे सकते हो, कम से कम जो है ई, उसके बाद जब ज्यादा दोगे तो उसका डायरेक्ट 2 times दे पाओगे, या 3 times दे पाओगे, या 4 times दे पाओगे, मतलब इंटीजर में ही दे पाओगे।
दिस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन वैल्यूज, दिस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन वैल्यूज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। मीन्स अगर कहीं पर भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज हो रही है तो इस तरह का एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ होगा उसकी वैल्यूज पर कि या तो ये वैल्यू हो सकती है या फिर इसके बाद डायरेक्ट ये वैल्यू हो सकती है या इसके बाद ये वैल्यू हो सकती है। जैसे यहां पर चार्ज की या तो ई वैल्यू हो सकती है या टू ई वैल्यू हो सकती है। अब ई और टू ई, भाई वन ई और टू ई के बीच में, वन और टू के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो वैल्यूज एग्जिस्ट चार्ज की नहीं कर सकती। कहने समझ, आर यू गेटिंग और नॉट? मींस ये जो रेस्ट्रिक्शन होता है, जैसे मैं कहूं एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, तो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड का मतलब सिंपल है कि एनर्जी की इस यूनिवर्स में एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, पहली बात। जैसे यहां चार्ज की मिनिमम वैल्यू है, और एनर्जी की जो हायर वैल्यूज होंगी, एनर्जी की जो हायर वैल्यूज होंगी वो उस मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकती है। जैसे यहां पर ये कह रहा है एन ई, वहां पर एनर्जी में क्या होगा कि जो एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है, हायर वैल्यूज उस मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही होंगी। उसके बाद फिर हम एटम में जाएंगे तो वहां पर हमको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की भी एक मिनिमम वैल्यू है, उससे कम वैल्यू नहीं हो सकती, और जो हायर वैल्यूज हैं वो उस मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही होंगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। तो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी बॉडी को या तो हम ई चार्ज दे सकते हैं या टू ई दे सकते हैं या थ्री ई दे सकते हैं। मीन्स हम ई के फ्रैक्शन में चार्ज नहीं दे सकते, मतलब इस दिस इज अलाउड, हम ऐसे चार्ज नहीं दे सकते कि ई का 1/2 चार्ज दे दिया, 1/2 टाइम्स, या 3/2 टाइम्स चार्ज दे दिया, या 5/3 टाइम्स चार्ज दे दिया, नेवर। इस तरह का चार्ज हम किसी भी बॉडी को कभी भी नहीं दे सकते, फ्रैक्शन में नहीं दे सकते, इंटीजर में ही दे सकते हैं, ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स ई एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? आई होप यू गॉट इट। अब दोस्तों बात यह आती है, मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर बार बार आप कहते हैं कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है और हमें क्वेश्चंस मार्क लगाने चाहिए। बिल्कुल लगाने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क ये भी बन रहा होगा, आप हो सकता है सोच रहे हो कि सर बताएं कि ऐसा क्यों है, मतलब हम चार्ज को फ्रैक्शन में क्यों नहीं दे सकते, हम चार्ज को ई के फ्रैक्शन में क्यों नहीं दे सकते, हम चार्ज को ई के इंटीजर मल्टीपल में ही क्यों दे पा रहे हैं। दैट इज द क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और चार्ज के बारे में लगभग हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। और अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू चार्ज अ बॉडी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और आप सोचिएगा जरूर इसके बारे में कि क्या लॉजिक हो सकता है कि हम इंटीजर में ही क्यों दे पा रहे हैं चार्ज को, फ्रैक्शन में क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्वांटाइजेशन जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में सोचिएगा जरूर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं तो आपको जवाब दूंगा ही, मैं तो आपको बताऊंगा ही कि ये क्यों है, लेकिन आप भी जरूर सोचिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।